स इज द रेशियो ऑफ देखिए जितने भी इलास्टिक कॉन्स्टेंट होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस ये सभी के सभी रेशियो होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के सो so, अब आप जानते हैं स्ट्रेन जो है यूनिटलेस होता है सो कुल मिला के इन तीनों की यूनिट वही होगी जो यूनिट स्ट्रेस की होती है सो so, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ अ बार ऑफ लेंथ एल हैविंग अ कोपिशंट ऑफ लीनर एक्सपेंसन एज एल्फ़ा इज हीटेड बाई टी द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूज इन द बार इज़ इक्वल टू देखिए टेम्परेचर स्ट्रेन पहले काउंट होता है जो कि होता है एल्फ़ा इंटू टी और टेम्परेचर स्ट्रेस निकालने के लिए ये जो नीचे ब्रैकेट में फार्मूला लिखा है इसे हम यूज़ करते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को हम ई e से दिखाते हैं और यहाँ से अगर हम इस्ट्रेस निकालना चाहें तो वो हो जाएगी स्ट्रेन इंटू ई e, ई सो so, इसी बिहाब में यहाँ पे स्ट्रेन इंटू ई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्फा टी ई तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट वन पास्कल वन गी का गलत है स्ट्रेस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी अभी हमने जिक्र किया था एक्सटर्नल नहीं होता है द स्ट्रेन इज़ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस ये सही होगा ऑप्शन सी लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड हार्डनेस हार्डनेस नहीं होता है ब्रिटलनेस होता है सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा When अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड opposite पुल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी tends टू एक्सटेंड इट्स लेंथ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली देखिए यहाँ पर पुल्स की बात कर रहा है, यानी उसको खींचा जा रहा है सो so इसमें जो स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होगा वो दोनों टेंसाइल फॉर्म में होगा इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर सिक्वेंस तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा प्रोपोर्शनल लिमिट पहले होती है इलास्टिक लिमिट फिर येल्डिंग फिर एक मैक्सिमम स्ट्रेस भी आती है बीच में फिर फेलियर यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें पॉइंट ए पे प्रोपोर्शनल लिमिट है पॉइंट बी पे इलास्टिक सी पे येल्ड पॉइंट डी पे मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस और ई e पे ब्रेकिंग पॉइंट या फेलियर तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू हुक्स लॉ कहाँ तक अपना काम करता है देखिए हुक्स लॉ क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे सो so, इसी डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है उसके बाद नहीं होती है तो so, इसका मतलब हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक काम करता है सो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा <coughs> द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू अ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई पी एल बाई ए होता है और कई जगहों पर डब्ल्यू एल बाई ए भी लिखा होता है स्ट्रेन रोस्टे आर यूज टू क्यों यूज करते हैं हम इनको देखिए ये होते क्या हैं स्ट्रेन रोस्टे कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस इन थ्री आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस सो इनको हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन को मेज़र करने के लिए और उन्हीं तीनों डायरेक्शन में आप इसका बेसिक डायग्राम होता है एक देख सकते हैं नेट पे और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है लीनियर स्ट्रेन सो बी यहाँ पर सही हो जाएगा अब बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल मीटर्स मीटर, मीटर एक्सटेंड बाय एल एम एम अंडर अ टेंसाइल फोर्स स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बार अब देखिए उस हिसाब से तो ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए था स्मॉल एल बाई कैपिटल एल लेकिन यहाँ पे एक डायमेंसन मीटर में है और एक मिलीमीटर में है तो so इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा क्योंकि आपको पता है एक मीटर में थाउजेंड एम mm होते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी एक चीज़ में उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा वैन बार ऑफ लेंथ एल एंड डाया डी इज़ रिजिडली फिक्स्ड एट द अपर एंड एंड हैंगिंग फ्रीली दैन द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई होता है फॉर्मूला और इसी की हेल्प से अगर हम कैपिटल डब्ल्यू में देखें तो ये हो जाता है कैपिटल डब्ल्यू एल बाई टू ए ठीक है और ये निकलता है कहाँ से टोटल वेट जो होता है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू इन टू ए इंटू एल बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और इसी की हेल्प से स्मॉल डब्ल्यू एल निकलेगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन ए इसको पुट करके आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर तो so, दोनों ध्यान रखिएगा कोई भी पूछा जा सकता है वेन अ बार इज़ सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स डिफॉर्मेशन इज़ प्रिवेंटेड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार इज़ सो कौन सी स्ट्रेस होगी वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से है टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं और थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट की वजह से ये वेरी करता है मटीरियल टू मटीरियल द बैंडिंग मोमेंट विच प्रोड्यूस कॉन्वैक्सिटी ऑफ वार्ड्स इज नोन एज अब देखिए सैगिंग हॉगिंग आप जानते होंगे ये आपका सैगिंग का डाइग्राम होता है बेसिक ये हॉगिंग का होता है और कॉन्वैक्सिटी और कॉन्वे कॉन्केविटी क्या होती है देखिए ये वाला पोर्सन तो कॉन्वैक्सिटी को दिखाता है और ये अंदर वाला पोर्सन कॉन्केविटी को यहाँ पे कॉन्वैक्स सिटी की बात कर रखी है तो कॉन्वैक्स सिटी अपवार्ड किस में होती है सैगिंग में और कॉन्केविटी अपवार्ड में होती है सैगिंग में सॉरी उल्टा बोल दिया शायद तो यहाँ पे हॉगिंग है और हॉगिंग में कॉन्वैक्सिटी अपवार्ड होगी सैगिंग में कॉन्केविटी अपवार्ड होगी तो so, हमारा क्वेश्चन हॉगिंग का है यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलो